आप लोगों ने सांपों से जुड़ी हुई अनेक कहानियां और किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको सांपों से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। सो वेलकम टू आशीष बाबू चैनल। क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी खुराक रोज नहीं लेता है, बल्कि एक हफ्ते, महीने या एक साल में एक बार ही भोजन करता है। सांप किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे ही निकल जाते हैं। सांप मेंढक, छिपकलियों, पक्षियों, चूहों तथा अपने से छोटे सांपों को भी खा लेते हैं। अफ्रीका का अजगर तो छोटी गाय को भी निगल जाता है। सांप की एक खासियत होती है कि वो अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन में लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों को थोड़ी सी हलचल से महसूस कर लेते हैं, जिससे भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी मिल जाती है। सांपों को पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये अपने शिकार से ही पानी प्राप्त कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वाइपर, अजगर और बोआ सांप के सिर पर दो विशेष प्रकार के छिद्र यानी सुराख पाए जाते हैं। इन सुराखों के ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है, जो गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। झिल्ली में काफी तंत्रिकाएं होती हैं, इस कारण यह अंग तापमान और दर्द को महसूस करने में सक्षम होते हैं। यह झिल्ली विभिन्न जीवों के शरीर से निकलने वाली गर्मी, जो कि इंफ्रारेड विकिरण के रूप में होती है, को बहुत आसानी से पहचान लेती है। हालांकि इस झिल्ली को ऊष्मा का स्रोत भी कहते हैं, मगर यह उनकी आंखों में कोई मदद नहीं करती है। बावजूद इसके यह स्रोत ऊष्मा प्रतिबिंब बना लेती है। इससे सांप अपने आसपास मौजूद जीव के आकार का लगभग सही सही अंदाजा लगा लेता है और उसके प्रति सावधान हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल 46,000 लोग सांप के काटने से मारे जाते हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा मात्र 20,000 का है। इसका मुख्य कारण है, ना तो भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के बारे में जरूरी जानकारी है, ना ही उनके बचाव के तरीके मालूम है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दो छोटे देश न्यूजीलैंड और आइसलैंड तथा अंटार्कटिका महाद्वीप पर सांप नहीं पाए जाते। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबा सांप होता है और इसकी आमतौर पर लंबाई 18 फीट तक होती है। इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मात्र 7 ml की मात्रा से 20 आदमी या एक हाथी को मारा जा सकता है। शेर जैसे भयंकर जानवर को तो हम मारकर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, मगर सांप को हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सांप के पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसके दिमाग में अन्य जीव की तरह सेरिब्लर हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सांप के दिमाग में यह हिस्सा नहीं होता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अक्सर आपने सांप और बीन के किस्से सुने होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, सांप बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता। बीन की आवाज सुनकर सांप का आना केवल लोगों का भ्रम मात्र है। क्या आप जानते हैं कि सांप अपने मुंह से 3 गुना बड़े शिकार को खा सकता है? सांप की आंखों पर पलकें नहीं होती, पलकों के स्थान पर एक पतली और पारदर्शी झिल्ली सांप की आंखों को सुरक्षित करती है। कोई भी सांप बिना छेड़े नहीं काटता है। काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से या उन पर पैर पड़ जाने के कारण होती हैं। सांप नाक से नहीं बल्कि जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का पता लगा लेते हैं। कुछ लोगों की बिना जहर वाले सांपों के काटने से भी मौत हो जाती है, क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। सांप एक साल में कम से कम 3 बार अपनी कैंचुली निकालते हैं। अब आपको बताते हैं सांप से बचने के उपाय। अगर कभी आपके पीछे सांप पड़ जाए तो घबराएं नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा यानी जिगजैग स्टाइल में दौड़ना शुरू कर दें। सीधे दौड़ने पर सांप आपका तेजी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। कुछ सांप 2 साल तक भोजन किए बिना जीवित रह सकते हैं। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल लेते हैं। सांपों की पलकें नहीं होती, इसीलिए वो खुली आंखों के साथ सोते हैं। आप पानी के अंदर स्किन से कुछ मात्रा में सांस लेते रहते हैं, इसलिए वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो और सांप के विषय में रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।